वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के पावन अवसर पर भगवान नरसिंह मंदिर में अभिषेक किया गया। नरसिंह भगवान के मंदिरों में भव्य फूल बंगला का आयोजन किया गया और साथ ही मथुरा की गलियों में जगह जगह अनेकों स्वरूप में भगवान नरसिंह ने अपने भक्तों को दिए दर्शन। बच्चे बुजुर्ग सभी ने भगवान की लीला का आनंद लिया। भीषण गर्मी को देखते हुए ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने वाली सामग्री का भोग लगाया गया, जिसमें शरबत, सत्तू, ठंडाई, सूजी का हलवा विशेष रूप से ठाकुर जी को भोग लगाया गया। भगवान नरसिंह की लीला और अवतार के प्राचीनता के बारे में इतिहास के बारे में बताया गया। देखिए, ये प्रतिवर्ष वैशाख मास की चतुर्दशी को नरसिंह महामहोत्सव का आयोजन पूरे मथुरा जिले में किया जाता है, जिसमें मथुरा शहर की नरसिंह लीला विश्वविख्यात है। आज इसी क्रम में मथुरा शहर स्थित कुआ गली में नरसिंह लीला का मंचन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पब्लिक में कितना उत्साह है, किस तरह से पब्लिक नरहरि के दर्शन कर रही है, उनकी आरती कर रही है। और ये क्रम हमने जो अपने पूर्वजों से सुना है कि पूर्व में जब नरहरि ने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए खंभा फाड़ कर नरहरि ने जब जन्म लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था, तब से ये क्रम चला रहा है। और मथुरा की नरसिंह लीला बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक नरसिंह लीला है, जिसका आयोजन प्रतिवर्ष बड़ी धूमधाम के साथ यहाँ के लोकल नागरिकों द्वारा किया जाता है।